रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रीन कढ़ाई, और ये चिकन ग्रीन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये किस तरह बनती है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएँ हर नई अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये किस तरह तैयार होती है, तो आइए देखते हैं। और ये बड़ी जायके वाली कढ़ाई है, जायकेदार कढ़ाई है। तो सबसे पहले आपको हमने ये दही लिए, आधा पाव दही लिए, ठीक है। चिकन हमने लिया 1 kg, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो मसाले हैं, इसमें ये है वाइट पेपर, ये अपना चाइनीज़ नमक, और ये धनिया जो पाउडर है, ये बारीक पाउडर नहीं है, क्रश किया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 चाय का चम्मच। और ये चिकन पाउडर है, ये आधा एक चाय का चम्मच है। और ये है जीरा पाउडर पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। ये हमने हरा मसाला लिया, हरे मसाले में है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च से बना हुआ है। और ये हसबे ज़रूरत नमक की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमने हरी मिर्चें लिए, और ये अदरक, और इसमें हमें क्रीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चले हम तेल डालेंगे कढ़ाई में। हमने तेल डाला है, ठीक है। तेल अभी गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया हमने, और इसको और इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अभी इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, पानी ऐड कर 5 मिनट तक इसको इसी में भूनेंगे। फिर बाद में अभी इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। करेंगे अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप पानी, उससे ये है कि चिकन हमारा गल जाएगा। आधा कप पानी हमने इसके अंदर ऐड किया, बगैर से हम लोग मसाले भी सारे ऐड करेंगे, और बाकी जो मसाला है वो भी ऐड करेंगे। हमें दही डालेंगे, मैंने दही डालेंगे, ये हमने दही डाल दिया। और ये हमने जो बकाया मसाले आपको पहले दिखाए थे, इन सारे मसाले, ये सारे मसाले डालेंगे, सब मिक्स करके डाल देंगे। और जो हरा मसाला है वो भी डाल ऐड कर देंगे, हरा मसाला भी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे सारा कलर इसी हरा मसाले से। और अभी इसको 5 मिनट तक ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट तक ढक्कन लगा के रखेंगे मीडियम आंच पे। और अभी हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है कढ़ाई की, और फिर इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, फिर उसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। एक आप ये हमने क्रीम ऐड किया, इसके अंदर एक पैकेट पूरी आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हो, देसी घी भी ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए, ढक्कन लगाएंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे इसमें। मजबूत वाली सी अच्छी आ रही है इसकी, देख इसकी शक्ल भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गई। और 10 मिनट हो चुके हैं, अभी ढक्कन हटा के देखते हैं। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू है। अभी इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और जो अदरक का चॉप किया हुआ वो डालेंगे।
थोड़ा गार्निश के लिए कर लेंगे, तो बाकी हल्का फुल्का गार्निश के लिए रख लेंगे। तो इसको चूल्हा तेज करेंगे, चूल्हा तेज करके इसको थोड़ा ड्राई करते हैं, ड्राई कर देंगे। अभी कितनी मजे कितनी देर पकेगा और? बस ये ड्राई करना है, बस ड्राई करना है बस। बाकी चिकन पक चुका है हमारा, अभी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। ग्रीन करी तरीके से बनता है, आप कढ़ाई में बनाइए, तो हम नाइन स्टिक में बना रहे हैं, तो आप कढ़ाई में बनाओ, कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हो। हम तो नॉन स्टिक फ्राईपैन में बना रहे हैं, कढ़ाई तो बनती कढ़ाई में, कढ़ाई में ही बनती है। और ये जो हरी चिकन कढ़ाई है, ये ग्रीन चिकन कढ़ाई, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ऊपर से थोड़ा बटर और देसी घी डाल सकते हो, उसके लिए और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये आस्ता आस्ता गाढ़ा हो रहा है, और तेल भी इसका निकालिया, वर्सी आप देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई हमारी तैयार हुई है, ये आप देख सकते हो। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।